भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2022-23 में कुल 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जबकि इन्हीं बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को महज 171 करोड़ रुपए का फंड मिला। इसका खुलासा चुनाव आयोग ने किया है। दरअसल भाजपा की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई थी, जिसके मुताबिक 2021-22 में बीजेपी की कुल इनकम 1,917 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 2,361 करोड़ रुपए हो गई। ऑडिट रिपोर्ट में भाजपा ने ये भी बताया कि 2022-23 में उसने ब्याज से 237 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा चुनाव और सामान्य प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर के लिए 78.2 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने उम्मीदवारों को फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर 76.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। बीजेपी ने पिछले साल विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के दौरान 1,092 करोड़ रुपए खर्च किए। अन्य पार्टियों का जिक्र करें तो राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त समाजवादी पार्टी ने 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 3.2 करोड़ रुपए कमाए थे। 2022-23 में उसे इन बॉन्ड से कोई योगदान नहीं मिला। एक अन्य मान्यता प्राप्त पार्टी टीडीपी ने 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10 गुना ज्यादा था। गौरतलब है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा ब्रांच में मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसे अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। बता दें कि 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।